हेलो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पेड़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें गर्मी, आश्रय और भोजन देते हैं और हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। दुनिया में बहुत से प्रकार के पेड़ हैं जो अपने आकार और वैशिष्ट्यों से अलग है। उनमें से कुछ काफी विचित्र होते हैं और कुछ बेहद खूबसूरत। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं दुनिया के 10 ऐसे विचित्र पेड़ों के बारे में जो शायद ही आपने कभी देखे होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद दुनिया के 10 बेहद खूबसूरत पेड़ों के बारे में भी जानिए हमारे अगले वीडियो में। लिंक आई बटन पे दिया गया है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मादागास्कर अजीबोगरीब चीजों के लिए जाना जाता है। उसी तरह ये मोटे से तने और पतली सी टहनी वाला अजब सा पेड़ मादागास्कर के वेस्ट रीजन में पाया जाता है। एमएन में पाए जाने वाले ये पेड़ केवल इनके छते जैसे आकार की वजह से फेमस नहीं है। अगर आप इसके तने को काटो तो इनमें से खून जैसा पदार्थ निकलता है। साउथ कैरोलिना में पाया जाने वाला ये एंजल ओक ट्री करीब 1500 साल पुराना है और इसका नाम उसे लगाने वाले के सरनेम पे रखा गया है। सिकोइया नेशनल पार्क कैलिफोर्निया ऐसे कई विशाल पेड़ों का घर है और ये पेड़ जायंट सिकोइया दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ है। कंबोडिया के प्रसिद्ध ताप रोहम टेंपल में अपने जटिल जड़े फैलाते हुए ये पेड़ सदियों पुराने हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के ब्रास कैनियन नेशनल पार्क में पाए जाने वाले पेंडोसा पाइन्स नामक ये पेड़ लगभग 150 फीट की हाइट तक बढ़ते हैं। बनियान ट्रीज यानी बरगद के पेड़ दुनिया के हर हिस्से में पाए जाते हैं। अपने भव्य आकार और जटाओं के कारण ये हमेशा से एक आश्चर्य का केंद्र रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बनियान ट्री इंडिया में आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन में पाया जाता है। सबसे अजीब पर सुंदर कलाकृति वाले ये पेड़ एक स्वीडिश अमेरिकन किसान एलेक्स एरलंडसन ने बनाया है। एरलंडसन जानते हैं कि किस तरह इन पेड़ों के तने को अलग अलग शेप्स में मोड़ा जा सकता है, पर यह टेक्निक अभी तक उन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं की है। ये स्पाइडर ट्रीज पाकिस्तान के सिंध गांव में पाए जाते हैं। 2010 में नदी में आए एक बाढ़ के कारण इन पेड़ों पे फंसे मकड़ियों ने ये विशाल जाल बना दिए हैं। बटरेस रूट्स किसी भी प्रजाति के पेड़ों में हो सकते हैं। जमीन के उपजीविक ना होने पर ये रूट जमीन पे ही उगले रखते हैं और इन्हें के कारण पेड़ अपने आप को गिरने से बचा सकता है। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमें सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और चैनल के बारे में सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।